हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए वापस से एक और लेक्चर कन्वर्जन रिएक्शन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रीचेक्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, पहला प्रीचेक्स है CH3CO CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। नेक्स्ट है CHI3 विच इज द आयोडो फॉर्म। नेक्स्ट है CH3COONA। CH3COO इज एसीटेट एंड दिस इज सोडियम, सो सोडियम एसीटेट। NAI इज अ सोडियम आयोडाइड। नेक्स्ट है CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं DDT विच इज अ डाइक्लोरो। ये जो क्लोरीन है वहाँ पे दो है, तो डाइक्लोरो, देन डाइफिनाइल एंड देन ट्राइक्लोरो एंड मेथ एथ, सो बेसिकली इथेन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। चलिए C6H5 दो फिनाइल ग्रुप है, सो इसको बोलेंगे डाइफिनाइल। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो मेथ एथ एंड डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, तो दैट इज एथीन। नेक्स्ट देखते हैं C2H5OH, देर इज अ इथेनॉल, इसको हम इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है C2H5O C2H5, दो इथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज अ डाई इथाइल एंड दिस इज अ ईथर। नेक्स्ट है CH3COOH, दिस इज अ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है CH3COO, सो दिस इज बेसिकली एसिटेट एंड दिस इज इथाइल, सो इथाइल एसिटेट। एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे C6H12O6 विच इज अ ग्लूकोज। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। आज की जो फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन। ओके, हमको सिर्फ इसमें राइट इक्वेशन करना है एंड उसका कंपाउंड क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसीटोन इज हीटेड विद एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। सो बेसिकली हमको एसीटोन लेना है और उसकी रिएक्शन जो है आयोडीन के सॉल्यूशन, यानी कि 3I2 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आयोडीन है ये, इसकी रिएक्शन करवाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, हम इसको जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। चलिए देखते हैं अब इससे कंपाउंड क्या मिलता है। यहाँ से CH और I3, आयोडीन जो है हमारे पास 6 है, तो 3 I3 इस CH से मिलकर के स्टूडेंट्स आयोडो फॉर्म बेटी से CH I3 मिलता है हमको। आगे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे CH3CONONA, यहाँ से लेकर के बन जाता है सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 Na बचा है और 3 आयोडीन बचा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 NaI हो जाएगा एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड, दैट विल बिकम लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसी रिएक्शन होती है। सो बेसिकली क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाना है हमको क्लोरल से। क्लोरल हमने देखे थे CCl3CHO होता है एंड दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन रिंग पे क्लोरीन है। ओके स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोजन को यहाँ से अलग से इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो रीजन बिंग यहाँ से हमको वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, सो बेसिकली आपस में ज्वाइंट होकर के DDT बना लेंगे, CCl3CH एंड दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड देन क्लोरीन, और ये जो H2 है वो यहाँ से हमको मिला है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हम बताए थे DDT है, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड द ट्राइक्लोरो एंड मेथ एथ, दैट इज अ इथेन। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कैसे होती है। ये हमने लिए क्लोरोबेंजीन, उसके दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से। ये रिएक्शन शायद हम पहले भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये N2Na एंड Cl मिलकर के NaCl बन जाएगा, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। जो बाकी है C6H5 एंड C6H5 ज्वाइंट होकर के डाइफिनाइल देगा। ओके स्टूडेंट्स, इस समय जो कैटलिस्ट होगा वो एज अ ईथर होगा। पिछले रिएक्शन में भी हम आपको स्टूडेंट्स कैटलिस्ट बताना भूल गए थे, विच इज अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हालांकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं कैसे इथाइल ब्रोमाइड हीट किया जाता है एल्कोहलिक KOH के साथ, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन जब KOH से करवाते हैं, KOH से करवाते हैं, तो ये KNBr अटैच होकर के KBr बन जाता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये H मिलकर H2NO वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड बच जाता है C2H4 विच इज CH2 एंड CH2 विच इज अवर एथीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। सो बेसिकली हमको इसमें केमिकल इक्वेशन लिख के बताना है कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। सो यहाँ दिखाया गया कि हमको डाई इथाइल ईथर चाहिए फ्रॉम इथेनॉल। चलिए स्टूडेंट्स अभी कन्वर्जन रिएक्शन में देखते हैं, कंसेप्ट के तरफ थोड़ा ध्यान देंगे कि हमको इथेनॉल लेना है, विच इज अवर C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, एंड उससे हमको चाहिए डाई इथाइल ईथर विच इज C2H5O C2H5। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें 4 कार्बन है बेसिकली,
अगर हम यहाँ पे ट्वाइस नहीं लेते तो कार्बन दो ही थे, इसलिए हम इसके टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ताकि यहाँ पे कार्बन चार हो जाए बेसिकली। सो स्टूडेंट सपोज कीजिए सी टू एच वाई ओ एच एंड सी टू एच वाई ओ एच यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, तो सी टू एच वाई इसका एंड दूसरे का सी टू एच वाई ओ, तो हम मिल जाएगा हमको डाई इथाइल ईथर एंड बाकी जो बच जाएगा वो एच टू ओ मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें हमको चाहिए इथेनॉल फ्रॉम डाइलिथाइल ईथर, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट वाले का अपोजिट रिएक्शन है। अब हमको डाइलिथाइल ईथर से स्टूडेंट्स इथेनॉल चाहिए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे हमको दिख रहा है कि वहाँ पे हमको एच टू मिला था, तो डाइलिथाइल ईथर को जब हम एच टू से रिएक्शन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ द एच टू एस ओ फोर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बहुत कंपलसरी है कि जब आप डाइलिथाइल ईथर से इथेनॉल लें चाहे इथेनॉल से डाइलिथाइल ईथर लें, आपको जो कैटलिस्ट लेना है वो एच टू एस ओ फोर लेना है, और उस समय प्रीवियस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस कंपलसरी था स्टूडेंट्स। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं, सो बेसिकली आपस में ज्वाइंट होकर के हमको इथेनॉल दे देगा। ओके स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल एसीटेट चाहिए फ्रॉम इथेनॉल। सो इथेनॉल ये है स्टूडेंट्स और हमको चाहिए इथाइल एसीटेट, तो आप सोचिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंसेप्ट की तरफ सोचना चाहिए कि हमको यहाँ पे सी टू एच फाइव चाहिए तो वो तो हमारे पास है, बाकी जो स्टूडेंट्स हमको चाहिए सी एच टू सी ओ ओ जो कि हमारे पास नहीं है, तो ये एसीटेट ग्रुप पे, तो एसीटेट ग्रुप के कारण जो हमको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए उससे हम एसिडिक एसिड ले लेंगे, और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट तो हमको सी टू एच फाइव ओ एन सी एच थ्री सी ओ ओ मिल जाएगा, बाकी जो बच रहा है ये एच एच एन ओ मिल के एच टू बना लेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जब ये इथाइल एल्कोहल से हमको इथाइल एसीडेट चाहिए था, सो उस समय ये जब रिएक्शन होती है तो उस समय आपको एसिडिक मीडियम देना कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स चलते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ जिसमें है इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज, तो हमको ग्लूकोज से बेसिकली स्टूडेंट्स विच इज़ अवर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, या क्लास सेवन्थ से पढ़ते आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होता है, अब इससे हमको चाहिए इथेनॉल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकली आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है ग्लूकोज होता है, जब आप ग्लूकोज लेते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है आपको पता होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको बाय प्रोडक्ट मिलने वाला फॉर श्योर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब हमको सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स से और कुछ पता हो ना हो पर सी ओ टू गैस डेफिनेटली बनने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कार्बन के छः कंपाउंड है और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक सी ओ टू लेता तो एक कार्बन कंपाउंड से कार्बन पाँच बचते जिसका कोई कंपाउंड हमारे लिए सोच पाना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे ताकि एटलीस्ट दो कार्बन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, तो अब हमारे पास बचते हैं कार्बन चार और बाकी जो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स उसमें से ऑक्सीजन हमारे पास छः थे उसमें से वो चार रिमूव हो चुके हैं, तो अब हमको सोचना है कि हमको ऑक्सीजन के दो कंपाउंड और कार्बन के चार कंपाउंड और हाइड्रोजन के 12 कंपाउंड से, सो इससे बेसिकली एक एल्कोहल बनता है विच इज़ अवर इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस समय जो रिएक्शन है आपके बॉडी के अंदर होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक एंजाइम जो कि एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको आज सारी कन्वर्जन रिएक्शंस क्लियर हो गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा ही बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड उसको लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।